और डोंट माइंड, आप सभी को म्यूट कर देता हूँ ताकि वीडियो खराब ना हो। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी शुड अंडरस्टैंड द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस एंड इट्स मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली व्हेन वी गो थ्रू दिस टर्म we identify it as, that is, it is a computerized record keeping system. Pehla point kya hai hamara, computerized record keeping system. Then yahan pe question rise hota hai, what actually the meaning of record keeping, पहले ये जानना जरूरी है। तो इसके लिए आपके पास दो पॉइंट है, इसको आप आइडेंटिफाई कर लो। फर्स्ट, वेन एवर यू गो थ्रू द टर्म दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और मैनेजमेंट सिस्टम, वी आइडेंटिफाई समथिंग दैट इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, उसको थोड़ा सा गैप दे दो, एंड द लास्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड, first part is called data. Whenever we are required to store something inside the computer or in the paper made system, we have the term that is called raw materials, that is called facts, that is called simply the data which is inputable and going to store inside the system. Yahan pe system kuch bhi ho sakta hai, wo ek pen paper based सिस्टम भी हो सकता है, कंप्यूटराइज सिस्टम भी हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, पिक्चर्स हो सकते हैं, या नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर मेरा नाम हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। व्हेनेवर वी क्रिएट दिस थिंग वी आइडेंटिफाई समथिंग दैट इज कॉल्ड हियर, दैट इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग। व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग? Data processing is the process, or we can say that step, or we can say that a logic by which data is going to be processed for performing some set of operation, and after that we receive the new term that is called information. ठीक है? तो ये three major factor है आपके पास, data, data processing and information. तीन चीजें आपको याद रखना है टू स्टोर एनीथिंग इन साइड द कंप्यूटर और पेन पेपर बेस्ड सिस्टम, कहीं भी। इसको मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई करा देता हूँ, क्लियर? तो यहाँ पे डेटा क्या है? डेटा कैन बी द नेम, डेटा कैन बी द फैक्ट, डेटा कैन बी लाइक अ ट्रांजेक्शन डेटा, डेटा कैन बी अ वीडियो, डेटा कैन बी अ स्ट्रक्चर, डेटा कैन बी एनी काइंड ऑफ थिंग। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ, ये एक डेटा है, मेरा नाम एक डेटा है, देन आफ्टर मेरी डेजिग्नेशन, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा नॉलेज, ये सारे के सारे चीज डेटा है। बट व्हेनेवर वी पुट इट इनसाइड द सिस्टम, अब जैसे एज फॉर एग्जांपल बिफोर डीएबी नो वन नोज हु एम आई, आई एम जस्ट लाइक अ पर्सन हु इज इन द हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु लिव इन गया, बस यार इतना ही लोग मुझे जानते हैं, इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अगर हमें रास्ते में मिलता हूं तो मैं आपके लिए एक सिंपल एक अननोन पर्सन हूं, स्ट्रेंज पर्सन हूं, नथिंग एल्स। लेकिन जैसे ही मैं सिस्टम से जुड़ता हूं, डीएबी से जुड़ता हूं, आई एम गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ टीचर फर्स्ट, बिकॉज माई डेजिग्नेशन इज अ टीचर, एज अ टीचर। नेक्स्ट पार्ट, आई एम अ कंप्यूटर टीचर, इट इज ऑल्सो इन्फॉर्मेशन। तो ये जो सारी चीजें हो रही है कहाँ पे हो रही है? वो सारी चीजें हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो भी डेटा पुट किया गया, तो डेटा जो पुट किया जा रहा है इनसाइड द सिस्टम, ये हमारा डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट है। डेटा प्रोसेसिंग में नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है, उसके बाद जो हमारा डेटा बन के आ रहा है दैट एक्चुअली कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो अगर एज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है डेटा आयुष, आयुष इज हियर डेटा, ठीक है, प्रोसेसिंग हुई, और आफ्टर दैट दिस आयुष is not going to be a data, it is going to be a information here, change ho gaya,
दैट मीन्स हमने उसको चेंज कर दिया, उसके मीनिंग को बदल लिया। जैसे फ्लोर बिकम बिस्किट, फ्लोर बिकम ब्रेड, जो आटा खाते हो और सॉरी ब्रेड खाते हो, बिस्किट खाते हो, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे प्रोडक्ट है। तो आप इंफॉर्मेशन को एज अ प्रोडक्ट कह सकते हो और डेटा को आप वो इनपुट या मटेरियल या रॉ फैक्ट्स कह सकते हो जो यूज होता है टू क्रिएट इंफॉर्मेशन। अगर यहां तक आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है या अभी क्लियर हो गया, रेज योर हैंड, डू इट फास्ट। ओके नेक्स्ट, मैं काफी बेसिक से जा रहा हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट को पहले से ये सारे टॉपिक पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको बेस से लेके जा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा कितने तरह के हो सकते हैं, इसकी कैटेगरी कितनी हो सकती है। तो नॉर्मली डेटा जो हमारा होता है, डेटा दो तरह का होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटेड डेटा एंड अनदर वन इज अनफॉर्मेटेड डेटा। फॉर्मेटेड डेटा मीन्स होता है हमारा डेलिमिटर डेटा, ठीक है। और डेलिमिटर का मतलब क्या होता है, वैसा डेटा जिसको कि एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में रखा गया हो, ठीक है, जैसे कि उसको सेपरेट करके रखा गया, जैसे कि कॉमा में सेपरेट किया गया हो, जैसे कि हमारा हैश सिंबल से सेपरेट किया गया हो, स्पेस से सेपरेट किया गया हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इसको देखिए। जैसे मैंने लिखा, मैंने अपना नाम नहीं लिखना है, मुझे लिखना है किसी और का नाम, साक्षी कुमारी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया, A1 लिख दिया, 2020 लिख दिया, एंड देन आफ्टर यहाँ दे दिया IP। तो ये जो हमारा डेटा है, नो डाउट, क्योंकि मैंने लिखा है तो मुझे पता है कि इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है उसके मीनिंग कुछ इस तरीके से है, साक्षी इज द फर्स्ट नेम, कुमारी इज द सेकेंड नेम, 11 इज द क्लास, 81 इज द सेक्शन, 2020 इज द सेशन, एंड IP इज द सब्जेक्ट। ये मुझे पता है, बट फॉर द अननोन पीपल, जिनको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनके लिए क्या है, उनके लिए अनफॉर्मेटेड डेटा है। दैट मीन्स वैसा डेटा जिसको कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो या काफी डिफिकल्ट है। सेकेंड टर्म में अगर इस डेटा को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दे, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे XI IP, ठीक है, साक्षी A1 कुमारी, अब इसको ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। या फिर कुछ सेंस में आप देखते होंगे वैसा डेटा जो कि सिर्फ 0101 इस तरीके से फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, सॉरी इसमें वैल्यू नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डेटा में हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, इसको पहले डिकोड करने की जरूरत पड़ती है, एंड देन आफ्टर वो हमारा यूज में आता है। तो डिकोड करने के लिए हमें क्या करना है, इसको इनक्रिप्ट करना होगा, डिक्रिप्ट करना होगा। ये इनक्रिप्टेड है अभी, यहाँ पे हर एक का अपना मीनिंग है। अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा है ये मेरे नेम का सिग्नेचर है, ठीक है, हो सकता है कि ये मेरा किसी भी बैंकिंग का पासवर्ड हो सकता है, ये हो सकता है मेरे मोबाइल का पिन कोड हो सकता है, मेरे कंप्यूटर का लॉगिन आईडी हो सकता है। तो ये मैंने क्योंकि इनक्रिप्ट करके लिखा है, ये मेरे नेम का कोड है, आप भी अपना नेम कोड बना सकते हो। अब जैसे एज फॉर एग्जाम्पल माय नेम, मेरा नाम तो सभी को पता है, फिर भी लिख लेता हूँ, ऑन द डॉक्यूमेंट आई एम ज्ञानेंद्र, एंड पब्लिकली मैं जाना जाता हूं रोशन कुमार सिन्हा, ठीक है। अब यहां मैंने जी को और आर को मैंने अपना सिग्नेचर बना लिया है, जहां पे जी का जो जी हमारे पास ये वर्ड है, सॉरी कैरेक्टर है, और ये आर है, ये दोनों का ASCII की होता है, जी का ASCII की होता है 71 एंड आर का होता है 82। तो ये मेरा पासकोड है, मान लो एज फॉर एग्जाम्पल, मैं रखता था कभी, अब नहीं है, चेंज कर दिया, हमेशा ये चेंज होता रहता है। तो इस तरह से हमने इसको इनक्रिप्ट किया, तो ये मुझे जानकारी में है कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। इसका मीनिंग हमें सिर्फ पता है, आपको पता नहीं होगा। अगर आपको पता करना है तो इसको इनक्रिप्ट करना होगा, यानी मेरे बारे में जानकारी होनी चाहिए, देन आफ्टर आप डाटा उसको बना सकते हो। इसको अगर आप थोड़ा सा नॉन टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो वैसा डेटा जो सेपरेटेड होता है, जो उसकी
पार्टिकुलरली अरेंज करके रिकॉर्ड किया जाता है उसको फॉर्मेटेड डाटा और डेलिमिटर डाटा कहते हैं। और वैसा डाटा जो फॉर्मेटेड नहीं होता है, अनडिलिमिटर्ड होता है, जिसमें किसी भी तरह का सेपरेशन नहीं देते हैं या किसी तरह का इनक्रिप्शन लगा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनफॉर्मेटेड डाटा। अब बात आती है कि हाउ एक्चुअली वी कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ डेटा, तो इसके लिए क्या करेंगे, सॉरी पहले इसको मुझे सेव करने दो। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट कर रहा हूं, किसी ने कुछ बोला है मुझे, आशुतोष रिकॉर्डिंग स्टार्ट, ऑलरेडी स्टार्ट है। मैं आपको यहाँ इस पॉइंट पे लेके जाता हूँ। मैंने एमएस नोटपैड ओपन किया है, नोटपैड यूनिवर्सल एडिटर है, सभी को जानते हैं। मैंने यहाँ कोई डाटा क्रिएट किया है, ठीक है, सेम टाइप का, क्या नाम है, विजय प्रकाश, ठीक है, देन आफ्टर ए टू, देन आफ्टर 1879 जो भी है, सेम प्रोसेस में हमने लिखा है नितिन, नितिन नंदन, सॉरी एवन 1898, व्हाटएवर जो भी डाटा है, मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। ये कौन आ गया, ओके, मैंने इसका नाम दे दिया टेस्ट वन, ठीक है, इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में ही सेव कर दिया। आप चाहो तो इसको अलग फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो, जिसको CSV फॉर्मेट या ऐसा कुछ होता है, नंबर ऑफ टाइम होते हैं यहाँ पे, जैसा भी आपको चाहिए यहाँ पे कर सकते हो। मैंने इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है, ओके। नाउ अब ये मेरे पास आ गया MS Excel, ये वाला शायद मैंने आपको दिखाया है पहले से, बताया भी है, नहीं आप लोग ओपन वाले को ओपन होने दो, वेट फॉर अ मोमेंट। अब यहाँ पे जो हमारे पास डेटा है, मुझे यहाँ पे डेटा क्रिएट करना है उस पार्टिकुलर फाइल से जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, यहाँ पे इस पार्ट में मुझे इस पार्टिकुलर डेटा का यूज करना है इनसाइड दिस पार्टिकुलर एरिया। अब मैंने इसको अगर डायरेक्टली कॉपी किया है यहां से एंड देन पेस्ट किया, तो ये डाटा फॉर्मेट में नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये पूरा का पूरा डाटा एक सिंगल सेल में चला गया। अब अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो मुझे फॉर्मूला लगानी पड़ेगी, ठीक है, मुझे लिखना पड़ेगा लेफ्ट, कौन सा लेफ्ट, तो इस पार्टिकुलर का। अब इसमें मुझे विजय निकालना है तो मुझे यहाँ पे 5 देना पड़ेगा, कॉमा करके 5, तो ये विजय बाहर आ गया, ठीक है। तो ये मुझे नंबर ऑफ टाइम में बारी बारी से इसको सेपरेट करना पड़ेगा, अलग तरीके से मुझे डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है ये, डायरेक्ट इसको यूज नहीं ले सकते। अनदर वे हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है यहाँ पे, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास विजार्ड होते हैं, इसको बिग स्क्रीन पे देखो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, टेक्स्ट इनपुट फ्रॉम विजार्ड, इसको विजार्ड बोलते हैं। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, फिक्स डेटा और डेलिमिटर डेटा, ये दोनों फॉर्मेटेड होते हैं, फिक्स भी या डेलिमिटेड भी, दोनों फॉर्मेटेड है। डेलिमिटर में क्या है, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई कराना होता है कि डेलिमिटर किस चीज का दिया गया है, यानी कैसे सेपरेट किया आपने, टैब से किया है, सेमीकॉलन से किया है, कॉमा से किया है या अदर थिंग। तो यहाँ पे मेरे पास करंट में कोई भी सेपरेशन काम में नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप देखो जैसे इसको मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये डाटा एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया, जैसे हमारा कॉपी पेस्ट हो रहा था, हमने डाटा में कोई चेंजेस नहीं आया है, लेकिन मुझे इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है दैट इज कॉल्ड फिक्स डेटा। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर डिसाइड करता है कि आप कितने पार्टिकुलर पार्ट से डेटा को ब्रेक करना चाहते हो। तो मान लो मैंने यहाँ एक ब्रेक लगाया, फिर दूसरा ब्रेक यहाँ लगा दिया और तीसरा ब्रेक यहाँ लगा दिया, अब मुझे नेक्स्ट किया एंड देन आफ्टर फिनिश, देखो अलग अलग बढ़ गया, ये एक तरीका है। लेकिन अभी करेंट जो डाटा मेरा वो अनफॉर्मेटेड है, क्योंकि यहाँ पे नितिन तो आ गया, नंदन ठीक से नहीं आया, 1 आ गया इसमें, A2 और ये अलग नहीं हुआ, प्रॉब्लम हो रही है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, मैंने मॉडिफाई क्या किया, यहाँ से देखो विजय एक टैब दे दिया, प्रकाश के बाद भी एक टैब दे दिया, A2 के बाद भी टैब दे दिया, देन आफ्टर नितिन के बाद टैब, नंदन के बाद टैब, और यहाँ पे हमने दे दिया है A1 टैब दे दिया एंड देन आफ्टर दिस,
तो ये जो मेरा फॉर्मेट तैयार हुआ ये डेलिमिटेड फॉर्मेट है डेटा को स्टोर करने का। अब इस पे बेसिस पे मैं इसको जैसे चाहूं कॉल कर सकता हूं। इसको सेव कर दिया, अनक्लोज इट, ओपन किया। अब इसी चीज को मैं यहां फिर से कॉल कर रहा हूं। सेम चीज मैं यहां से भी कर सकता हूं, लेकिन अभी मैंने कॉपी नहीं की है, मुझे डेटा चाहिए, एक्चुअल डेटा चाहिए, डेटा रिट्रीवल का काम करना है। तो डेटा पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास डेटा किस सोर्स से चाहिए, कोई टेबल है, कोई वेबसाइट है, कोई डेटाबेस है, तो आप डेटाबेस से यहाँ पे ले सकते हो। ऑनलाइन डेटा चाहिए, ऑफलाइन डेटा है, जैसा भी डेटा है। तो मेरे पास जो डेटा है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, मैंने लिखा फॉर्म टेक्स्ट और CSV। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो अभी जो मेरा डेटा है अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप वो हमारा CSV फॉर्मेट में तो नहीं है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, लेकिन मैंने उसको मैनेज किया है एज अ CSV। ठीक है, होल्ड कर लो, आ जाएगा आगे। मुझे फाइल सेलेक्ट करनी होगी, फाइल मैंने स्टोर करी है ऑन द डेस्कटॉप, ये रहा, ये आ गया मेरे पास। सेम विजार्ड आएगा यहाँ पे डेटा को कॉल करने के लिए। ये आ गया डेटा। अब यहाँ पे आप खुद देख लो, डाटा मेरा ऑलरेडी पहले से फॉर्मेट होके मिल रहा है। मीनिंग क्या है, हमने जो डाटा स्टोर किया कंप्यूटर में वो एक पार्टिकुलर फॉर्मेट देके किया, तो उससे बेनिफिट क्या हुआ, मैंने डेलिमिटर देके किया एक पार्टिकुलर, हमने वहां पे आइडेंटिफाई कराया कि कौन सा वर्ड कहाँ पे एंड हो रहा है या किसके बाद कौन सा पार्ट आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई हो गया। नाउ लोड इट, वेट, एक्सट्रैक्ट कर रहा है। देखो आपका डेटा ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही मैं लास्ट में आता हूं और टैब प्रेस करता हूं तो नया डाटा मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो साक्षी है सिंह, सी इज फ्रॉम A1 एंड द एडमिशन नंबर इज 1897 जो भी है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक न्यू डेटा भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये फॉर्मेटेड डाटा है। कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया होगा तो रेज हैंड कर लो आप लोग, डू इट फास्ट। अगर आपको समझ में नहीं आया राइट इन द चैट बॉक्स।